नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। मेरा नाम डॉक्टर आशुतोष बघेल है, मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ, किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ और मेरी ट्रेनिंग ऑलमोस्ट 8 से 9 साल इस सारे केस में हुई है। तो यूजुअली ऐसे होता है कि पहले हम पेशेंट को, जो डोनर है और जो रेसिपिएंट है, इन दोनों का पूरा टेस्टिंग करते हैं, ब्लड मैचिंग करते हैं, ऑर्गन मैचिंग करते हैं और उसके बाद पेशेंट को बुलाया जाता है। पेशेंट को बाकायदा सारा प्रोसीजर समझाया जाता है बिकॉज पेशेंट को काउंसलिंग की जाती है इन नेफ्रोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के किडनी ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर किस तरह होगा। ये ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर जो है ये एक सुपरा मेजर प्रोसीजर है एक तरह से समझा जाए तो, यानी ये लेंथी प्रोसीजर है और इस प्रोसीजर के दौरान पेशेंट को पूरा इंफॉर्मेशन दिया जाता है, उनकी कंसेंट ली जाती है, उनको बताया जाता है कि किडनी ट्रांसप्लांट कैसे होगा। और इनके केस में, सौरभ जी के केस में, किडनी जो ली गई थी वो कैडेवरिक किडनी ली गई थी। जैसे डॉक्टर पुनीत ने बताया कि दो तरह के ट्रांसप्लांट होते हैं, एक लाइव रिलेटेड ट्रांसप्लांट और एक कैडेवरिक ट्रांसप्लांट। तो जो लाइव रिलेटेड ट्रांसप्लांट होता है वो आपके कोई रिश्तेदार के द्वारा किडनी दी जाती है, रिश्तेदार की, रिश्तेदारों में होते हैं माँ बाप भाई बहन और आपकी वाइफ। और कैडेवरिक ट्रांसप्लांट में कोई कैडेवर, यानी जो पेशेंट हमारे पास एडमिट है और जो ब्रेन डेड हो चुका है, उसकी किडनी उसकी राजी ली जाती है, उसके रिलेटिव्स की राजी ली जाती है कि हम चाहते हैं हमारा ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो। राजी मिलने के बाद सारी चीज़ें प्रिपेयर की जाती हैं। हर पेशेंट में 2 किडनी होती हैं, 1 किडनी हमारे पास आती है, 1 किडनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाती है। तो जैसे ही हमें पता चला कि सौरभ जी इज़ इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस ट्रांसप्लांट, तो हमने उनको कॉन्टैक्ट किया जैसे डॉक्टर पुनीत ने बताया और उनको तुरंत यहाँ पे एडमिट किया गया। एडमिट करने के बाद ये प्रोसीजर हमने स्टार्ट किया। मान्यता है कि एक अगर हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करेंगे तो हमें स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी, ऐसा मोक्ष नहीं मिलेगा हमें, राइट? तो ये धारणा है, ये सच्चाई नहीं है। इनफैक्ट किडनी ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बारे में लोगों को जितना ज़्यादा अवेयर किया जाए, पेपर में द्वारा बताया जाए, उनको नॉलेज दी जाए इस चीज़ की कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से आप एक ही नहीं, कम से कम 5-6 से ज़्यादा लोगों की आप जिंदगी सुधार सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन अलग है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन अलग है। तो जैसे आप ऑर्गन डोनेशन की बात कर रहे हैं, तो ऑर्गन डोनेशन के लिए गवर्नमेंट ने एक वेरी सिंपल पोर्टल बना रखा है। या आप हॉस्पिटल में जाइए जहाँ ट्रांसप्लांट होता है, वहाँ के ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर से डिस्कस कीजिए, वो आपको गाइड करेंगे। अगर आप हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे, आपके आसपास हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है जहाँ ट्रांसप्लांट होता है, तो एक गवर्नमेंट का सिंपल साइट है organindia.org, आप उस पर जाइए। जैसे ही आप वो साइट खोलेंगे पूरा चीज़ A to Z दिया जाए, आपको नेम रजिस्टर करना है, एज, और फिर उसके जैसे आप फॉलो करते रहेंगे यू कैन रजिस्टर फॉर ऑर्गन डोनेशन। ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, बट ये होता इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी अवेयरनेस नहीं है। अब जैसे हमारे पास अभी कोई पेशेंट आते हैं, हम बोलते हैं कि आप प्लीज़ रजिस्टर कीजिए, हम इससे नहीं बोलते हैं, इससे ये नहीं कि एटलीस्ट सौरभ जैसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो साल भर से वेट कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन स्टेट लेवल होता है जी, अभी जैसे अगर महाराष्ट्र का कोई रजिस्ट्रेशन है तो ये स्टेट लेवल भी होता है और नेशनल लेवल भी होता है। तो जैसे अगर कभी आपकी डेथ हो जाती है अन्य कारण के कारण, तो इसमें क्या होता है, अगर आपके पास वो कार्ड बना हुआ होता है तो हॉस्पिटल वो कार्ड देके डायरेक्टली आपके बॉडी को ऑर्गन डोनेशन के लिए ले सकती है। उसके लिए आपकी फैमिली की परमिशन की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने जब आप जिंदा थे आपने अप्रूवल दिया था कि जब आप मरेंगे आपके ऑर्गन्स ले लिए जाएंगे। बहुत ही अच्छा रहा, इट वाज अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। मैं जैसे डॉक्टर पुनीत ने बोला, लास्ट 2018 ऑनवर्ड्स मैं डायलिसिस में था, बीच में कोविड आ गया तो वो भी एक प्रेशर पीरियड था कि डायलिसिस के लिए जाना कोविड के टाइम में बहुत डिफ़िकल्ट था। फिर भी उपाय नहीं था, हॉस्पिटल जाना ही पड़ता था, रिस्क लेके भी जाना ही पड़ता था। पर वो उस टाइम खाली हम यही सोचते रहते थे घर बैठ के, अगर ट्रांसप्लांट हो जाता शायद ये सिचुएशन हमें फेस नहीं करना पड़ता। पर रेगुलर मैं फॉलोअप करता गया हॉस्पिटल से उस टाइम, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली उस टाइम कोविड के टाइम में ऑपरेशंस नहीं हो रहे थे। तो जैसे ही मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि जैसे ही कोविड पोस्ट कोविड ऑपरेशन होना शुरू हुआ, मैं कोऑर्डिनेटर से भी टच में था पहले ही। मेरे पास इमीडिएटली डॉक्टर पुनीत और उनके टीम का फ़ोन आया, एंड ये एक बुधवार का दिन था, मैं अपना डायलिसिस करवा के आया ही था घर में, मेरा छोटा सा बच्चा है उसके साथ मैं बैठा हुआ था और
मेरे पास शायद दोपहर को 2:45 फ़ोन आया और उन मुझे बोला गया जितनी जल्दी आ सकते हैं आप बॉम्बे आ जाएं, लेकिन तब मुझे क्लियर कर दिया गया था कि दूसरे पेशेंट्स को भी बुलाया गया है कि कोई गारंटी नहीं है कि आपको ही मिलेगा, जो पहले पेशेंट आएगा जिसका मैच पहले होगा। लेकिन इतना सफ़र किया था डायलिसिस को लेके, मतलब मैं घर वालों से जब बात की हमने यही बोला चांस लेना तो बनता ही है, मतलब ये मौका रोज़ रोज़ नहीं मिलता, बिकॉज जहाँ मैं डायलिसिस करवाता हूँ मेरे साथ कम से कम 20-25 दिन और करते हैं, और हमारी रोज़ ही यही बात होती थी सबके अपने बीच में, कोई किसी हॉस्पिटल में रजिस्टर्ड था, कोई किसी दूसरे हॉस्पिटल में रजिस्टर्ड था, सभी बोलते थे कब मेरा नंबर आएगा। हम खुश भी होते थे कभी कभी, मेरे साथी लोग किसी का नंबर आ जाता था, इन्हें उनका ट्रांसप्लांट हो जाता है, क्या किसी का रिलेटिव डोनेट करता था, तो उनको देख के खुशी भी होती थी और हम यही सोचते थे कब मेरा नंबर आएगा। तो जैसे ही मेरे पास फ़ोन कॉल आया, आई थिंक 2:45 करीब फ़ोन कॉल आया होगा, और मैं आजकल गुड़गांव, पहले बॉम्बे में रहता था, आजकल गुड़गांव में रहता हूँ, तो मेरा घर एयरपोर्ट से करीब करीब आधा घंटा दूर है। मैंने कुछ नहीं सोचा, गाड़ी उठाई, जो कपड़े पहने थे वही कपड़े पहन के, दो कपड़े साथ में डाल के मैं अगला फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पहुंच गया। वहाँ पे मेरे दोस्त लोग मेरे लिए टिकट विकेट बुक कर रहे थे। मैंने अपने वाइफ को बोला कि आप एक बार मुझे पहुंचने दो, एक बार कंफर्म होने दो कि ऑपरेशन होगा, तभी आप लोग आओ, नहीं तो एकदम से। लेकिन किस्मत इतनी अच्छी थी कि मैं जब पहुंचा, मैं रात को 9 बजे तक हॉस्पिटल पहुँच गया था। इमरजेंसी में सारे डॉक्टर्स रेडी थे उस टाइम, सारे टेस्ट करने के लिए। विद इन 1 घंटे में सारा सैंपल वैम्पल ले लिया गया, टेस्ट के लिए भेज दिया गया, और डॉक्टर पुनीत से फ़ोन में बात हुई, उन्होंने डॉक्टर पुनीत ने बोला आप एडमिट हो जाइए, और फिर इमीडिएटली उनसे जब अर्ली मॉर्निंग मुलाकात हुई। हाँ, एक्चुअली मतलब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुझे पता भी नहीं चला, बाय द टाइम मेरी फैमिली पहुँचने से पहले मेरा ऑपरेशन हो भी गया था।